हेटेक इज दिस मानस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू बंसल टेक। तो इस वीडियो में मैं आप लोग बताने वाला हूँ न्यू ईयर के पहले मंथ यानी जनवरी मंथ के बारे में कि आपको इस मंथ में कौन कौन से अपकमिंग स्मार्टफोन्स देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, पर अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले फोन की जो इस लिस्ट में निकल के आता है, वो निकल के आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी S21 FE। ये बताया जा रहा है फाइनली लॉन्च होने वाला है जनवरी मंथ में और ये लॉन्च होने वाला है CES 2022 में। तो अब देखते हैं सैमसंग इस फोन की क्या प्राइस रखता है इंडिया में, तो ये तो आपको थोड़े दिनों में ही पता चलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फोन की जो इस लिस्ट में निकल के आता है, वो निकल के आता है ओप्पो की तरफ से, ओप्पो रेनो 7 सीरीज। ये जो सीरीज है कुछ टाइम पहले अभी लॉन्च की गई थी ओप्पो की तरफ से चाइना में। अब ये जो सीरीज है बताया जा रहा है इंडिया में लॉन्च होने वाली है जनवरी मंथ में, जिसमें कि आपको ओप्पो रेनो 7 और ओप्पो रेनो 7 प्रो देखने को मिलेंगे। तो अब देखते हैं ओप्पो इसकी क्या प्राइस रखता है इंडिया में, ये तो आपको नेक्स्ट मंथ ही पता चलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फोन की जो इस लिस्ट में निकल के आता है, वो निकल के आता है वीवो की तरफ से, वीवो V23 सीरीज। ये जो सीरीज है काफी टाइम से कई सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हो रही है, जिससे ये पता चला है कि इसकी जो लॉन्च है वो भी काफी जल्दी होने वाली है। और अब ये जो बताया जा रहा है ये जो सीरीज है ये आपको जनवरी मंथ में देखने को मिल सकती है, जिसमें कि आपको वीवो V23e, वीवो V23 और वीवो V23 प्रो देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं ये जो स्मार्टफोन है कब तक लॉन्च होते हैं और क्या स्पेसिफिकेशन निकल के आती है, ये तो आपको थोड़ा टाइम में ही पता चलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फोन की जो इस लिस्ट में निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है आईक्यू की तरफ से, IQ 9 सीरीज। इससे पहले IQ 8 सीरीज बताया जा रहा था लॉन्च होने वाली इंडिया में, पर इसकी जो लॉन्च है वो कैंसिल हो चुकी है चिप शॉर्टेज वाली प्रॉब्लम की वजह से। पर अब बताया जा रहा है कि IQ 9 सीरीज डायरेक्टली लॉन्च होने वाली है इंडिया में, जो कि होने वाली है जनवरी के एंड में। तो अब देखते हैं ये जो फोन्स है इसकी क्या स्पेसिफिकेशन और प्राइस निकल के आती है, ये तो आपको थोड़ा टाइम में ही पता चलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन की जो इस लिस्ट में निकल के आता है, वो निकल के आता है मोटोरोला की तरफ से, मोटोरोला Edge X30। ये जो स्मार्टफोन है कुछ टाइम पहले चाइना में लॉन्च किया गया था, अब बताया जा रहा है ये जो स्मार्टफोन है इंडिया में देखने को मिल सकता है जनवरी मंथ में। तो अब देखते हैं मोटोरोला इसकी क्या प्राइस रखता है इंडिया में, ये तो आपको आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फोन की जो इस लिस्ट में निकल के आता है, वो निकल के आता है शॉमी की तरफ से, Xiaomi 11i सीरीज। ये जो सीरीज है बताया जा रहा है जनवरी मंथ में लॉन्च होने वाली है। ये जो सीरीज है ये रेडमी नोट 11 सीरीज जो कुछ टाइम पहले चाइना में लॉन्च हुई थी उसका एक रीनेम्ड वर्जन बन के इंडिया में आने वाली है। वैसे इसमें जो एक फोन है रेडमी नोट 11 वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है एज अ रेडमी नोट 11T 5G नाम से इंडिया में। अब इसमें रेडमी नोट 11 प्रो और रेडमी नोट 11 प्रो प्लस बन के आने वाले हैं रीनेम्ड वर्जन बन के Xiaomi 11i और Xiaomi 11i हाइपर चार्ज के नाम से इंडिया में। तो देखते हैं ये जो फोन है इसकी क्या प्राइस रखता है शॉमी, ये तो आपको नेक्स्ट मंथ पता चलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट फोन की जो इस लिस्ट में निकल के आता है, वो निकल के आता है रियलमी की तरफ से, Realme 9 सीरीज। इस सीरीज का लोग काफी टाइम से वेट कर रहे हैं और बताया जा रहा है ये जो सीरीज है ये जनवरी मंथ में देखने को मिल सकती है इंडिया में। वैसे इसमें Realme 9i, Realme 9, Realme 9 प्रो और Realme 9 प्रो प्लस कई जगह सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हो रहे हैं, जिससे ये पता चला है जो इसकी लॉन्च है वो काफी जल्दी होने वाली है। तो अब देखते हैं ये जो सीरीज है कब तक लॉन्च होती है और क्या स्पेसिफिकेशन और प्राइस निकल के आती है, ये तो आपको थोड़े दिनों में ही पता चलेगा। तो ये थे स्मार्टफोन्स जो कि जनवरी मंथ में लॉन्च हो सकते हैं इंडिया में। आप कौन से फोन के लिए एक्साइटेड हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद।